देखिए भाई साहब, समाचार जो ही मिली है बड़ा दुखद समाचार रहा है कि हमारे भीम आर्मी के चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर जी पर जिस तरह से हमलावरों ने सहारनपुर में हमला करके जान लेने का प्रयास किया है, तो इस चीज़ की तो पहले घोर निंदा और दुख इस बात का है कि भयमुक्त समाज, गुंडा रहित प्रदेश का दावा करने वाली प्रदेश सरकार, इसके वादे तो खोखले निकल रहे हैं कि देश के बहुजन समाज के एक लोकप्रिय नेता के ऊपर जिस तरह से हमलावरों ने जान लेने का प्रयास किया है, ऐसे लोगों को मैं चाहूँगा भी कि सरकार से अनुरोध भी है कि तत्काल प्रभाव से उन सबकी गिरफ्तारी हो और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति हमारे नेता के साथ, बहुजन समाज के लड़ाई लड़ने वाले इस लोकप्रिय नेता के साथ ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, ऐसे में तत्काल सुरक्षा मुहैया कराए। और हम लोग काफ़ी आघात में हैं, हम क्या पूरे देश के करोड़ों करोड़ बहुजन समाज के लोग इस बात को लेकर के काफ़ी दुखद हैं और आघात में हैं कि जिस तरह से एक अच्छे नेता और एक अच्छे समाजसेवी और अपने बेटे भाई के ऊपर जिस तरह से हमलावरों ने यह दुस्साहस किया है, तो यह तो घोर निंदनीय है। लेकिन इस बात में जरूर कहूँगा कि मुझे सरकार से यही अनुरोध करना है, प्रशासन से भी यही कहना है कि तत्काल प्रभाव से उनकी गिरफ्तारी हो, कोई शिथिलता ना हो और उनको प्रायोरिटी पर सुरक्षा मुहैया कराई जाए, वरना आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के साथ साथ देश के सभी बहुजन समाज के लोग, कहीं ऐसा ना हो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हमें न्याय पाने के लिए संघर्ष करना पड़े। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।